स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं सनी शर्मा और बाय प्रोफेशन मैं एडवोकेट हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और कोई सेटिस्फाइड आंसर अधिकतर नहीं मिल पाता है। जो हमारा एक मुद्दा है, लीगल मुद्दा डाइवोर्स, इस पर बहुत बात होती है और इस पर बातचीत जब होती है तो इसकी प्रोसेस के साथ साथ लोग ये जानना चाहते हैं कि जो हमारे देश में कानून है कि जो डाइवोर्स है उसके लिए कोई भी पिटीशन या जो याचिका होती है वो कम से कम शादी के विवाह के एक साल के बाद दाखिल की जाती है। दोस्तों, ऐसा कई बार होता है, बहुत लोगों के साथ होता है कि कई बार ऐसी सिचुएशंस या कंडीशंस आ जाती हैं कि साथ में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है और एक साल की जो ड्यूरेशन है बहुत लंबी लगने लगती है। इंसान चाहता है कि तुरंत मैं इस विवाह को, इस मैरिज को ख़त्म कर दूँ, और लेकिन हो सकता है अभी मैरिज हुए 2 महीने ही हुए हैं या 3 महीने हुए हैं, तो ऐसे में क्या कोई ऐसा कानून है जो मैं प्रोटेक्ट कर सकता है? तो इसी का जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूं दोस्तों। तो इसके लिए आप एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं। ये जो पिटीशन होती है ये हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के सेक्शन 14 के अंदर फाइल की जाती है। दोस्तों, ये जो पिटीशन होती है इसमें आपको कोर्ट को ये बताना पड़ता है कि आप असाधारण रूप से इस विवाह में कष्ट भोग रहे हैं या जो आपका पार्टनर है वो असाधारण रूप से आपके साथ दुराचार कर रहा है। दोस्तों, पिटीशन थोड़ी सी टफ होती है क्योंकि जो कोर्ट्स होती हैं वो इसमें काफी स्ट्रिक्ट रहती हैं और वो इस बात का पूरा ध्यान रखती हैं कि जो आप ये बात कोर्ट से कह रहे हैं कहीं किसी प्रकार से झूठ तो नहीं कह रहे, कोई गलत कथन तो नहीं कर रहे। कोर्ट इस पर बहुत स्ट्रिक्टली विचार करती है, देखती है कि सारी चीजें ऐसी हैं जैसी होनी चाहिए या नहीं, कहीं इसमें कुछ छुपाया तो नहीं गया। हर प्रकार से न्यायालय यानी कोर्ट जब इसको देखता है और वो संतुष्ट हो जाता है कि आपने जो भी कहा है वो वास्तव में सही है, तो जो कोर्ट होती है वो दोस्तों इस सेक्शन के अंदर एक ऑर्डर पारित कर देती है। और जो ऑर्डर होता है ये होता है कि आप जो है एक साल से पहले सेक्शन 13 को जो है सेक्शन 13 में डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जब एक आदेश हो जाता है उसके बाद आप एक साल से पहले भी डाइवोर्स के लिए सेक्शन 13 के अंदर मुकदमा याचिका या पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। सेक्शन 13 की पूरी प्रोसीजर मेरे दूसरे वीडियो में अवेलेबल है दोस्तों, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अगर आप उसको भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो आप इसे लाइक कीजिएगा, ऐसी लीगल जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई ऐसी लीगल पोस्ट करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद।